अपने समाज में बेनमाजियों की तादाद बढ़ती जा रही है। क्यों भाई? बूढ़े होने के बाद पढ़ेंगे, एक मस्जिद के मुतवल्ली हो जाएंगे, एक हज पढ़ के आ जाएंगे, पूरा पाप धुल जाएगा। आजकल वही चल रहा है, मस्जिद के मुतवल्ली हो गए, मदरसे के मोहतमिम हो गए, पूरा पाप धुल गया, हज पढ़ के आ गए, खत्म, कुछ भी नहीं, आराम से। बूढ़े होने तक जिंदा रहना है, किसके पास सर्टिफिकेट है बूढ़े होने तक जिंदा रहेगा? लिखा के लाया है। बूढ़े होने के बाद अल्लाह अमल की भी तौफीक दे देगा, किसके पास लिखा हुआ है, किसके पास लिखा हुआ है, कौन बता सकता है? कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। बूढ़े होने के बाद क्या होगा? वक्त पीरी गुर्ग जालिम मीशवत परहेजगार, बुढ़ापे के वक्त तो जालिम भेड़िया भी सुधर जाता है, शेर सुधर गए, शेर साहब हाथ फैला के बैठे हुए, तो जंगल के सब जानवर बोलते हो शेर साहब सुधर गए। शेर साहब सुधरे नहीं है, लाचार हो गए, इसलिए पड़े हुए हैं। शिकारी आ जा भाई हाल चाल पूछने, इसी बहाने कुछ एकाक दो मिल जाए। तो अब बूढ़े होने के बाद ये बूढ़ी नस में ताकत कहां है? खून जब भाग रहा हो और गर्म हो, उसके अंदर गर्मी हो, तेजी हो, तो तेजी के वक्त अपनी तेजी को हम कम कर दें, यह है असल कमाल। जब खून ठंडा हो गया, चल भाई अब सुधरेंगे तो फायदा तो है, काहे नहीं फायदा रहेगा, लेकिन जवानी में सुधर जाना नबियों वाला काम है। माशाल्लाह बड़ा मजमा नौजवानों का भी है, इसलिए जवानी में सुधरिए, उस इस्लाह की सख्त जरूरत है।